प्लीज दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं, अच्छे कंटेंट की वीडियो सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई स्प्रिंगी बॉय। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि यदि आपके पास भी कोई सा भी सिम है, चाहे वो जियो का हो, एयरटेल का हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, और आपके किसी भी सिम में यदि आप दो बार रिचार्ज करा लेते हैं, यानी कि मेरा कहने का सेंस ये नहीं है कि आपने अभी रिचार्ज कराया फिर आप उस वैलिडिटी को कम मतलब खत्म होने के बाद रिचार्ज कराते हैं, यानी कि उसका वैलिडिटी रहने के बावजूद यदि आप अपने किसी भी सिम कार्ड में दो बार रिचार्ज करा लेते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको दोनों रिचार्ज का फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आपको किस वैलिडिटी मिलेगा, किस कौन सा रिचार्ज का फायदा मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारी चीज के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना आपका टाइम जाया किए मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ। यदि आपके पास भी कोई सा भी सिम है, चाहे वो एयरटेल हो, वोडाफोन हो, आइडिया हो, जियो हो, तो आप यदि उसमें दो बार रिचार्ज करा लिए हैं या फिर दो बार रिचार्ज कराने की सोच रहे हैं तो आप बेफिक्र हो करके करवा सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है, चलिए मैं आपको अपना एक एग्जांपल दे देता हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे सिम में जो मेरा जियो का सिम था जिसमें कि मेरा 1 GB पर डे मैंने यूज कर रहा था, जिसका कि मेरा 15 दिन का और वैलिडिटी था। तो फ्रेंड्स, मुझे जो 1 GB में कुछ भी नहीं होता था, मैंने सोचा कि मुझे और ज्यादा GB की जरूरत थी। तो फ्रेंड्स, मैंने 1 GB की वैलिडिटी 15 दिन तक था, जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया। तो मैंने 1 GB रहने के बावजूद जो है जाके 349 यानी 349 का 3 GB डेली का रिचार्ज करा लिया। और फ्रेंड्स, मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि मैं 1 GB जो पहले से रिचार्ज कराया हुआ था उसको तो यूज कर ही रहा हूँ, और जो मैंने 3 GB पर डे अभी कराया रिचार्ज उसको भी मैं यूज करता हूँ। पहले मुझे 1 GB का मैसेज आता है कि आपने 1 GB कोटा का पूरा उपयोग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स, मुझे मैसेज आता है कि आपने 3 GB कोटा का पूरा उपयोग कर लिया है, यानी कि फ्रेंड्स मैं पर डे 4 GB का यूज कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने आपको बताया, मैं सीधे सीधे भाषा में आपको बताना चाहता हूँ और जो सीधे सीधे बताना चाहता हूँ बिना टाइम आपका वेस्ट किए, कि यदि आप भी अपने किसी भी सिम कार्ड में दो बार रिचार्ज करना चाहते हैं एक रिचार्ज खत्म होने के पहले ही, तो आप बेफिक्र होकर के करवा सकते हैं, और नहीं करवाए हैं तो करवा लीजिए, उससे आपके सिम पे या फिर उससे आपके रिचार्ज पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाली है। आप चाहो तो किसी भी मतलब वैलिडिटी को बंद कर सकते हो, यानी कि आपने जो पहले रिचार्ज कराया हुआ था आप चाहो तो उसे भी बंद कर सकते हो, या आपने जो भी करंट रिचार्ज कराया उसे भी आप बंद कर सकते हो, यानी कि आप दोनों में से एक रिचार्ज को बंद कर सकते हो और उसे बाद में यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैंने रिचार्ज कराया, और जो मैं आपको अपने मतलब ये करके दिखाऊंगा जियो एप्लीकेशन में, माई जियो एप्लीकेशन में मैं आपको ले जाकर के दिखाऊंगा कि मेरा दो दो एक्टिव प्लान है, एक जो 149 का है और एक 349 का है। यानी कि फ्रेंड्स, मैं जो यदि पहले से रिचार्ज कराता, एक साथ ही रिचार्ज कराता तो हो सकता था मुझे कुछ ज्यादा बेनिफिट्स मिलते, बट फ्रेंड्स मैंने पहले से करा ही चुका था और पर डे मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था, इसी कारण से मुझे 3 GB पर डे का और ज्यादा मतलब रिचार्ज कराना पड़ा। और मैं आपको ले जाकर के दिखाता हूँ अपने माई जियो एप्लीकेशन में कि मेरा दो दो एक्टिव प्लान है, और मैं उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि मैं दोनों रिचार्ज को यूज करता हूँ, डेली यूज करता हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो, और आप भी यदि रिचार्ज कराना चाहते हो तो करा लो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ, चलो वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं अपने मैसेज में लेकर के आपको दिखाता हूँ कि मैं जो पहले 1 GB का कंप्लीट यूज कर लेता हूँ, उसके बाद जो फ्रेंड्स मुझे 3 GB की तरफ से मैसेज आता है कि आपने पहले आता 1 GB का, कि आपने 1 GB का अपना पूरा उपयोग कर लिया है, और फ्रेंड्स इसके बाद आता है कि आपने अपने 3 GB कोटा में से इसका पूरा उपयोग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं मैसेज के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे फ्रेंड्स आप मैसेज को पढ़ सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो ये जो 2 नंबर का मैसेज है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने जियो नंबर, यहाँ चलिए फ्रेंड्स दिखाता हूँ सही से, आपने जियो नंबर का जो है उपलब्ध यहाँ पे 1 GB का पूरा उपयोग कर लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि आपने पूरा उपयोग कर लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स ये मेरा रहा 1 GB का। अब बात करता हूँ 3 GB वाला में से, तो
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे इंग्लिश में आ रहा है बिकाउज हिंदी में मैसेज किया गया था, मुझसे डिलीट हो गई थी। यहाँ पे देख सकते हो 50% ऑफ योर 3GB डाटा। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हो यू हैव यूज्ड 50% ऑफ योर 3GB डाटा हाई स्पीड। ये भी फ्रेंड्स 1 नवंबर का ही है, यानी कि फ्रेंड्स मैं दोनों का यूज कर रहा हूँ। आप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने माई जियो एप्लीकेशन में ले जा करके कि मैं दोनों एक्टिव, मेरा प्लान है, दोनों प्लान मेरा एक्टिव है और मैं दोनों प्लान को यूज कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स ये मैं आ चुका हूँ अपने माई जियो एप्लीकेशन को, सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ माई जियो एप्लीकेशन को। फ्रेंड्स ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आपको भी इसी तरीके से इंटरफेस दिखाई देगी। यहाँ पे प्लान्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सिंपल से प्लान्स के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ पे फ्रेंड्स मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे प्लान्स दिखाई दे रहा है करंट प्लान। यहाँ पे आप देख सकते हो एक है 149 का जो कि 24 डेज के लिए था, जो कि फ्रेंड्स ये जो कल ही ख़त्म होने वाला है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और फ्रेंड्स एक प्लान हम लोगों का और है 349 का, जो कि फ्रेंड्स 3GB पर डे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3GB पर डे, ये भी मेरा प्लान एक्टिव ही है। तो फ्रेंड्स इसलिए मैंने आपको पहले ही कह दिया कि यदि आप भी दो बार रिचार्ज करा लेते हो अपने किसी भी सिम में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप यदि नहीं कराए हो, दो बार रिचार्ज कराना चाहते हो तो करा लो। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।